हेलो फ्रेंड्स, आए कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। देखो हम क्या बना रहे हैं आज। हम बना रहे हैं मूंग की दाल की बखा के बखौरी। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। कैसे बनती है बखौरी? जो मूंग की दाल ही सादा बनाई जाती है। आप लोग घर में मगौरी में से बनती है, ऐसे ही भाप में बनाएंगे हम। मगौरी भाप में बनाएंगे, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। अभी हम दिखाएंगे। अभी हम दाल पीस रहे हैं। हमारी दाल पिस गई है। अब हम बना है अबे बखौरी। देखो दाल। अब चलिए हम बनाने। दाल में भरता हमने पानी। अब जो पानी में रख गए इस पे बांधेंगे कपड़ा। कपड़ा बांध के अब चढ़ा दें जाते हैं। अब जब तक चलो रहा तब तक पानी में खोल आ जाए। जैसे भाप बने पानी की तो हम चिन्ह उसी पर रखें। जैसे मंगौड़ी बनाई जाती है वैसी मंगौड़ी बनती है। जी भाप वाली मंगौड़ी है, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे। इसमें नमक मिलाना थोड़ी सी, जितना खा सको उतना नमक। हरी मिर्ची, जीरा, इसमें सब मिलाना है, ठीक है? सब मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लो। थोड़ी से भून कर डालना दाल को। भून कर दीजिए मिक्स। नमक भी डाल दिया, इसमें थोड़ी सी जीरा डाल दिए। हरी मिर्च काट के डालेंगे। पानी में भाप आने में देर है, इसलिए आप अभी लास्ट तक देखें। समझो डाल दी हरी मिर्च। कोई खाता है तो नहीं, हमारे देखो भाप आ गई पता। अब हम बना रहे हैं अब देखिए इस तरह से आ गई है भाप। आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं और सूजी निकलने लगी है भाप। अब इसी पर डाला जाएगा ये रखेंगे अभी गोल गोल बना के और डाल देंगे। देखो जी डल देंगे इस तरह से रखना है जी। कई अच्छे रख दी अच्छे लीजिए, इस तरह से लीजिए और इसको इस पर रख दीजिए। ये बन रहे हैं मंगौड़ी भाप के। मंगौड़ी पानी में सिकने वाली, पानी वाली है। खाने में बहुत स्वादिष्ट है पता है। इसको बना के फिर तेल में फ्राई करके जीरा नमक सब डाल के फिर खाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। ये बन गई है भाप में, बन रही है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढांक दीजिए, ठीक है? इस तरह से अब बन रही है। थोड़ी देर में और ढाक ढाक के जब निकालेंगे बाहर तब दिखाएंगे। अब हम इसको खोल के अभी पलट देंगे। पलटने से का है सही आ जाए। एक बार दोनों साइड से पलटते हैं ताकि इससे सही आ जाता है। ये देखो इस तरह से पलटना है। बस पलटेंगे, बंद कर दो फिर से एक मिनट के लिए।
और ये बन के हो गई रेडी। तो इसको निकाल लो, तो थोड़ी देर हवा में रखे रहो, तो ये टाइट हो जाएगी। फिर इसको तैयार है। अब इसमें क्या डालेंगे, नमक, मिर्ची, धनिया, प्याज आज काट के छोंक के फिर फ्राई करके फिर खाएंगे, सब्जी बन जाएगी। ठीक, क्योंकि सब्जी भी बनती है इसमें और नाश्ता भी होता है सुबह का। ठीक है।